हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजेता मैम। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 11। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। ओके, सो टुडे इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द टॉपिक की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स, अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स। कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं? अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स। तो बेटा, जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कहाँ से मिलते हैं? वो केन्या से मिलते हैं, केन्या इथोपिया से। दोनों ही जगह से हमें क्या मिलते हैं? अर्ली मैन के द्वारा स्टोन टूल्स को यूज बनाने के, मेकिंग करने के और साथ ही साथ उसको यूज करने के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। प्रोबेबली ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर द अर्लीस्ट स्टोन मेकर। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं बेटा, उससे गैसिंग की जाती है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव था, सब शायद कदाचित वही कौन था, पहला औजार बनाने वाला मानव था। एक्चुअली टूल्स वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमंस हैड सम फिजिकल फीचर विच हेल्प देम इन मेकिंग ऑफ टूल्स। दीज फीचर्स वर नॉट नोन अमॉन्ग एप्स। टूल मेकिंग क्या था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है मानव के जीवन में। और इसमें क्या हुआ बेटा कि हाउएवर देयर आर सम फीचर्स ऑफ ह्यूमन टूल मेकिंग दैट आर नॉट नोन अमंग एप्स। कुछ ऐसे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स मानव में हैं जो किसमें नहीं है? एप्स में नहीं है, चिंपैंजीज में नहीं है, ठीक है। और जिनकी वजह से मानव जो है सक्षम हो सका इतनी अच्छी क्वालिटी के टूल्स मेकिंग करने में। एज वी हैव सीन सर्टेन anatomical and neurological related neurological adaptation have led to the skilled use of hands. Probably due to the important role of tools in human lives, moreover the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, both of which are absent in apps. यहाँ पे क्या है बेटा कि अभी हमने वो डिस्कस किया था फीचर्स की, जो फीचर्स किसमें नहीं है, चिंपैंजी में नहीं है और मनुष्य में पाए जाते हैं, उन्हीं फीचर्स की वजह से मानव जो था सक्षम हो पाया इतने अच्छे कुशल औजारों को बनाने में। किस तरह के चेंजेस थे वो, धीरे धीरे टाइम के साथ वो चेंजेस आए बेटे, किस तरह से उनके नर्व सिस्टम में आने वाले चेंजेस की वजह से, साथ ही साथ एडेप्टेशन हैव लेड टू द की ग्रहण करने की क्षमता की, आप साथ ही साथ मनुष्य की जो हाथ की पकड़ की क्षमता थी वो मजबूत होती गई, ठीक है। स्किल यूज ऑफ हैंड्स, अच्छे से वो कुशलता से क्या यूज करने लगा, अपने हैंड का यूज करने लगा। और साथ ही साथ इन सभी ने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, मानव के जीवन में उसके औजार बनाने की निपुणता में। उसकी जो स्नायु तंत्र था वो मजबूत होता जा रहा था, नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ उसकी जो मेमोरी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी, वो सभी बहुत अच्छे से विकसित हो रही थी, जिनकी वजह से मानव अच्छी कुशलता पूर्ण औजार बनाने में सक्षम हो पाया। और ये इस तरह के फीचर्स एबसेंट थे किसमें? एप्स में, ठीक है। दी अर्लीस्ट एविडेंसिस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम फ्रॉम साइट्स इथोपिया एंड केन्या। भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इथोपिया और केन्या दोनों से ही क्या मिलते हैं, यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। इट इज लाइकली दैट दी अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स वर। और क्या माना जाता है कि सबसे पुराना, सबसे पहले टूल मेकिंग करने वाला जो मानव था, ही वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या डिस्कस किया हमने अभी तक कि इस तरह के फीचर्स जो चिंपैंजी एप्स में नहीं थे और केवल किस में थे, वो फीचर्स मनुष्य में थे, और उसकी वजह से वो परफेक्शन के साथ में टूल मेकिंग करना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से मिले बेटा? इथोपिया और केन्या से मिले। नेक्स्ट जो अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर था वो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, एज अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो बेटा, एज इन द केस ऑफ अदर एक्टिविटीज, वी डोंट नो वेदर टूल मेकिंग वॉज डन बाय मैन और वीमेन और बोथ। अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि जो हमें पुरास्थलों से अवशेष मिले बेटा, कि उनसे ये इस तरह की जो एक्टिविटीज, औजार बनाने का जो काम था, केवल पुरुष करते थे या स्त्रियां करती थी, या फिर मेल एंड फीमेल दोनों करते थे। इट इज पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर्स वर बोथ। ऐसा भी हो सकता है कि स्टोन टूल बनाने वाले, यानी दोनों मिलकर के औजार बनाते हो, ठीक है। वीमेन इन पर्टिकुलर मे हैव मेड एंड यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर वेनिंग।
क्या ऐसा भी माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि ये जो पत्थर के औजार बनाने वाले दोनों ही हो सकते थे, स्त्री और पुरुष, और साथ ही शायद प्रोबेबली क्या था कि जो फीमेल्स थी वो अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास तरह के औजार बना के उनका इस्तेमाल करती रही होंगी। ठीक है बेटा, अबाउट 35,000 ईयर्स एगो, अब से लगभग 35,000 साल पूर्व, वर्ष पूर्व, इम्प्रूवमेंट हमें के हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि इम्प्रूवमेंट आया था मानव के औजार बनाने की टेक्निक्स में। किस तरह के औजार बनाने लगा था अब मानव इन दी टेक्निक्स फॉर किलिंग एनिमल्स आर एविडेंट फ्रॉम दी अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स सच एज स्पीयर, थ्रोर्स एंड दी बो एंड एरो। दूर से ही जानवरों को, अब वो अपने औजार बनाने की तकनीक में इतना निपुण हो गया था कि अब उसे जानवरों के पास नहीं जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसने धीरे धीरे परफेक्शनिस्ट बन गया था वो औजार बनाने में, और उसने धीरे धीरे इस तरह के औजार बनाने लगे जिस तरह से कि दूर से ही जानवरों को क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, जैसे भाले, तीर, कमान, इस तरह के औजार वो बनाने उसने शुरू कर दिए थे। और उसके साथ साथ द मीट द सॉफ्टेन, फिर उन जानवरों को मारकर जो मीट मिलता था, मांस मिलता था, उसको प्रोसेस कर दिया जाता था बाय रिमूविंग द बोन्स, हड्डियां निकाल करके वो उसे साफ करने लगा था। ठीक है, फॉलोड बाय ड्राइंग, फिर उसको हल्का सा सुखा करके और हल्का स्मोकिंग, क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका था, हल्का सा उसको भून करके वो स्टोरेज के रूप में उसको रखने लगा था। मींस वो अपना भोजन इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया था। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन, क्या किया जा सकता है, इस तरह से तैयार किए हुए भोजन को वो बाद तक सुरक्षित रख सकता था। ठीक है, देयर वर अदर चेंजेस सच एज ट्रैपिंग और फॉर बियरिंग, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे वो क्या करने लगा था, समूहदार जानवरों को पकड़ने लगा था, रोएदार खाल जो थी उनकी, फॉर बियरिंग एनिमल्स को, जो उनकी रोएदार खाल थी उसको क्या करने लगा था, टू यूज दी फर फॉर क्लोथिंग, उस फर को, खाल को कपड़े के रूप में वो यूज करने लगा था। एंड द इन्वेंशन ऑफ सीविंग, यहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि किस तरह से सीविंग नीडल्स, दी अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ स्विन क्लोथ, सिले हुए कपड़े के अवशेष कब से मिलते हैं बेटा, अब से लगभग 21,000 वर्ष पूर्व हमें सिले हुए कपड़े के अवशेष आदि मानव के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, बिसाइड विद दी इंट्रोडक्शन ऑफ दी पंच ब्लेड, इसके साथ साथ सबसे क्या होने लगा यहाँ पे, छोटे छोटे छेनी की जैसे और इस तरह के छोटे छोटे औजार बनाने के लिए टेक्निक्स उसने शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे नुकीले ब्लेड, स्मॉल चिजल लाइक टूल्स, नुकीले ब्लेड बनाने उसने शुरू कर दिए थे। इट वॉज नाउ पॉसिबल टू मेक एंग्रेविंग्स ऑन बोन, एंटलर, आइवरी और वुड, और इन सारी चीजों से, नुकीले ब्लेडों से क्या करने लगा था वो, हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी पर नक्काशी करना और कुरेदना अब संभव हो गया था। ठीक है, इसके साथ साथ ही क्या कर लिया था, अब ये परफेक्शनिस्ट हो गया था टूल मेकिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये देखिए ये पिक्चर्स हैं, किसकी हैं ये, द पंच ब्लेड टेक्निक, यहाँ पे पंच ब्लेड टेक्निक यहाँ दिखाया गया। सबसे पहले क्या कर रहा है, द टैप ऑफ लार्ज पेबल इज रिमूव यूजिंग ए हैमर स्टोन, बड़े पत्थर से के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े से क्या किया जा रहा है, देखो एक बड़ा पत्थर है, इसके ऊपरी सिरे को दूसरे पत्थर से क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। बी में आप देखते हैं कि ये पत्थर यहाँ पे हट गया, इसकी एक बिल्कुल फ्लैट सतह तैयार हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में सी में हम क्या देखते हैं कि एक यहाँ पे हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से क्या किया जा रहा है, इस पे हड्डी का भी हो सकता है या हो सकता है किसी जानवर का सींग हो, ये इससे बने हुए पंच से इस पत्थर पे प्रहार किया जा रहा, चोट पहुंचाई जा रही है। ठीक है, डी में हम क्या देखते हैं, इसी पत्थर पर इस तरह से उरेक करके क्या किया गया, धारदार पट्टियां बनाई गई हैं जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उसे एक तरह से छेनियां बन जाती हैं। ठीक है, जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी को क्या किया जा सकता, उकेरा जा सकता, जैसे जिस कैसे हम नक्काशी कहते हैं आज के समय में, उस तरह से वो क्या करने लगा था, उकेरने लगा था उन पे, हाथी दांत वगैरह पे।
ठीक है। ई में हम देखते हैं कि ये हड्डी पर नक्काशी का नमूना, देखो हड्डी पर नक्काशी का क्या है ये नमूना, ये हड्डी का एक भाग है और उस पर क्या किया गया नक्काशी की गई, इस पर अंकित जानवरों के चित्र भी हमें देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये क्या किए गए, इन्हीं नुकीले ब्लेडों की सहायता से आदि मानव ने इस हड्डी पर इन जानवरों के चित्र को उरेका गया है, ठीक है। तो बेटा क्या हमने किया आज के इस लेक्चर में, हमने ह्यूमन अर्ली ह्यूमन के द्वारा मेकिंग टूल्स के कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है। सबसे पहले केन्या में इसके अवशेष मिले, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव ने इसके औजार बनाने शुरू करे हैं किए सबसे पहले, ठीक है। अब से लगभग 35,000 साल पूर्व क्या हुआ, टेक्निक्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, या उसने तीर भालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 21,000 साल वर्ष पूर्व क्या नीडल के अवशेष भी मिलते हैं, और साथ ही साथ उसने ब्लेड टेक्निक स्मॉल चिजल टूल्स बनाने यहाँ पे शुरू कर दिए। और यहाँ हमने आपके साथ डिस्कस किया द पंच ब्लेड टेक्निक, किस तरह से उसने इस टेक्निक का यूज करते हुए अपने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ यही डिस्कस किया है, मेकिंग टूल्स बाय अर्ली ह्यूमन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।